प्राचीन समय में स्टूडेंट्स गुरुकुल में रहकर ही पढ़ाई करते थे। बच्चे को एजुकेशन लेने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के साथ आश्रम की देखभाल करते थे और स्टडी भी करते थे। वरदराज को भी सभी की तरह गुरुकुल भेज दिया गया। वहाँ आश्रम में अपने फ्रेंड्स के साथ घुलने मिलने लगा, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही वीक था। गुरुजी की कोई भी बात उसके बहुत कम समझ में आती थी। इस कारण सभी के बीच वह मजाक का कारण बनता है। उसके सारे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में चले गए, लेकिन वो आगे नहीं बरज पाया। गुरुजी जी ने भी आखिर हार मानकर उसे बोला, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए हैं। अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपने घर चले जाओ और फैमिली वालों के काम में हेल्प करो। वरदराज ने भी सोचा कि शायद एजुकेशन मेरी किस्मत में नहीं है, और उदास मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर उसने देखा कि थोड़ी दूर पर ही कुछ लेडीज कुएं से पानी भर रही थी। वह कुएं के पास गया। वहां पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से निशान बने हुए थे, तो उसने लेडीज से पूछा, ये निशान आपने कैसे बनाए? तो एक लेडी ने जवाब दिया, बेटे ये निशान हमने नहीं बनाए, ये तो पानी खींचते समय इस सॉफ्ट रस्सी के बार बार आने जाने से सख्त पत्थर पर भी ऐसे निशान बन गए हैं। वरदराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक सॉफ्ट सी रस्सी के बार बार आने जाने से एक सख्त पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो निरंतर प्रैक्टिस से मैं एजुकेशन क्यों नहीं कर सकता। वरदराज बहुत उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आया और बहुत कड़ी मेहनत की। गुरुजी ने भी खुश होकर हेल्प की। कुछ ही सालों बाद यही स्लो लर्नर वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना, जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी, गीर्वाण पद मंजरी की रचना की। शिक्षा, मॉरल, दोस्तों, प्रैक्टिस की पावर का तो कहना ही क्या है। यह आपके हर सपने को पूरा करेगी। अभ्यास बहुत जरूरी है, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो या स्टडीज में या किसी और चीज में। बिना अभ्यास के आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। अगर आप बिना प्रैक्टिस के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे, तो आखिर में आपको पछतावे के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए प्रैक्टिस के साथ पेशेंस, परिश्रम और लगन रखकर आप अपनी गोल को पाने के लिए जुट जाएं।